Next, the Constitution Schedule Caste Order Amendment Bill 2014. Further consideration of the following motion moved by Sri Vishwambar Prasad Nishad on 24th April 2015 that the bill further to amend the Constitution Schedule Caste Order 1950 be taken into consideration. On the 24th of April 2015, on a motion moved by Sri Vishwambar Prasad Nishad under Rule 117, the Rules of Procedure of Conduct of Business of the Council of States and adopted by the House. Debate on the bill was adjourned. You see, that was adjourned by the decision of the House. Sri Prasad, therefore, now you can start the discussion. Vishwambar Prasad, therefore, may speak. After that, other members can speak. Yes, please. So, Mani Upsapad Mode, 24 April 2015 ko विधेयक पर डिस्कशन हुआ था. मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने उस समय बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने संसद भेजी है, आरजे हमारा परीक्षण करा रही है. इसके बाद 24 अप्रैल 2015 के बाद हम लोग दिसंबर, 4 दिसंबर है, बैठे हैं. मानवल संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए. मेरे द्वारा जो 24 अप्रैल 2015 को बिल पे डिस्कशन हुआ था, उसमें मैं सभी माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 और संशोधन विधेयक सर्वसम्मत से पारित किया जाए. उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति की सूची क्रम संख्या 18 में बेलदार दर्ज है, उसकी समनामी पुकारू उपजाति पर्यायवाची जाति बेलदार को परिभाषित किया जाए. कम संख्या 36 में गोंड के साथ गौड़, गोड़िया, कहार, कश्यप, बाथम को परिभाषित किया जाए. कम संख्या 53 में मझवार की उपजाति केवट, मल्ला, निषाद को परिभाषित किया जाए. कम संख्या 59 में पासी, तरमाली के साथ भर, राजभर को परिभाषित किया जाए. इसी तरह से कम संख्या 65 शिल्पकार के साथ कुमार प्रजापत को परिभाषित किया जाए. कम संख्या 66 में तुरैया के साथ धीमर, धीवर, तुरा, तुरा परिभाषित किया जाए. मानव बताना चाहता हूं कि जैसे दिल्ली है, पश्चिम बंगाल है, वहां मल्ला अनुसूचित जात में है. पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में, केवट, मध्य प्रदेश में कुम्हार आदि जातियां अनुसूचित जात में है. मानव पूरे देश में उक्त जातियां कहीं अनुसूचित जात में है, कहीं पिछड़ी जात में है. ये इनकी विसंगतियां हैं जिनका रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, शादी ब्याह आपस में एक जैसा है. इनकी उपजातियों में अस्पष्टता परंपरागत रूप से विद्यमान है. उत्तर प्रदेश सरकार ने मानवर अभी से नहीं, लगातार 31 दिसंबर 2004, 19 सितंबर 2005, 16 मई 2006 और 15 फरवरी 2013 और 1/4/15 को अपनी संस्तुतियां केंद्र सरकार को लगातार भेज रही है, जिस पर मानवर हमें कहना चाहते हैं आरजीआई बार बार उसमें आपत्ति लगा देती है. वो कहते हैं कि इनके साथ छुआछूत नहीं होता, ये जातियां मिक्स हो गई हैं, जबकि इनका सामाजिक और आर्थिक शैक्षिक स्तर बहुत ही निम्न है. जो गाइडलाइन है उसको सब मानक पूरा करते हैं. मानव संविधान में भी व्यवस्था है कि प्रत्येक 10 साल में सभी जातियों के बारे में, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे पिछड़ी जाति हो, आरक्षण की जितनी जातियां हैं, इनको इनकी समीक्षा की जाएगी और जो जातियां पिछड़ी हैं, जो मानक पूरा करती हैं, उनको सम्मिलित किया जाएगा. लेकिन आजादी के 67 साल बीतने के बाद 1950 में उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में दर्ज मझवार, गोंड, बेलदार, तरमाली, शिल्पकार, तुरैया के प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे, जबकि इनकी जनसंख्या 1931 में लाखों की तादाद में थी. वो जनसंख्या को विलुप्त कर दिया गया बताया गया है. तो हम इसीलिए ये बिल लाए हैं कि अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 341 संशोधन कर इन जातियों को अनुसूचित जाति सूची में परिभाषित किया जाए. ये सभी जातियां मानक को पूरा करती हैं. मानवर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को पास कराया जाए. उत्तर प्रदेश में जो ये जातियां जिनके बारे में ये बिल लाया हूं, कहार, कश्यप, केवट, मल्ला, निषाद, कुमार प्रजापत, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरा, गोड़िया, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति सूची में सम्मिलित करने को न्याय दिलाया जाए. मानवर मैं बताना चाहता हूँ, मंत्री जी का एक पत्र मुझे मिला और मंत्री जी ने
पत्र के माध्यम से, चूंकि माननीय 29 अप्रैल 2015 को माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे, उनसे भी अनुरोध किया था कि कहीं मल्लाह अनुसूचित जात में है, कहीं पिछड़ी जात में है, दिल्ली से मल्लाह अनुसूचित जात में है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामचरित निषाद जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं लोकसभा के, वो भी निषाद हैं, उनको मल्लाह सर्टिफिकेट अनुसूचित जात का लाभ मिला हुआ है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में शंखलाल मांझी लोकसभा के अकबरपुर क्षेत्र से सांसद रहे, तो लोकसभा सांसद रहे। ये आपस में जो मिक्स जातियां हैं इनको अनुसूचित जात जो शोध संस्थान उत्तर प्रदेश का है बार बार रिपोर्ट भेज रहा है कि ये मानक पूरा करती हैं, लेकिन पता नहीं जो भारत सरकार में जो एजेंसी आरजीआई बैठी है तो वो पुराना हवाला दे देते हैं, कोई 1931 का, 1911 का, कोई दूसरा नियम लगा के कहते हैं ये मानक पूरा नहीं करते हैं। मैंने अभी एक प्रश्न भी लगाया था 3/12/15 को, मेरा अतारांकित प्रश्न 598 था, उसमें भी मैंने पूछा था, लेकिन सरकार ने गोलमोल जवाब देने का काम किया था। तो हम चाहते हैं मानव इन जातियों के साथ न्याय किया जाए। सदन में हमारे क्षेत्र से बहन निरंजन ज्योति जी भी बैठी हैं, जो खास प्रसंस्करण मंत्री राज्य मंत्री हैं, जब लोकसभा में चुन के आई थी इन्होंने भी वादा किया था इसी बात पे, फतेहपुर के लोगों ने इनको जिताने का काम किया था, इन्होंने लोकसभा मामला उठाया। अब मंत्री जी भी अनुरोध करेंगे कि आप प्रधानमंत्री जी से मंत्री से बात करके, जब वोट मांगने हम लोग गए तब वहां तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि इन जातियों को हम न्याय देने का काम करेंगे, अनुसूचित जात में शामिल करेंगे। अब कौन सी आपत्ति है जब प्रदेश सरकार जो है लगातार रिकमेंड कर रही है, भेज रही है, और भारत सरकार इसको डिनाई कर रही है। तो मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से, चूंकि इसमें पिछली बार भी काफी वार्ता हो चुकी है, ज्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मंत्री जी से यही अनुरोध करेंगे कि मंत्री जी, चूंकि ये जातियां इनका स्तर देखिए, अभी तमिलनाडु में बाढ़ आई या कहीं भी बाढ़ आती है, मैंने ये सवाल उठाया था कि जब बाढ़ आती है तो मल्लाह केवल मल्लाह नाव चलाने वालों को याद किया जाता है, इनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति इतनी खराब है कि इनके घर के बर्तन देख लीजिए, इनके कच्ची झोपड़ी में रहते हैं, नदी किनारे रहते हैं, समुद्र किनारे रहते हैं। मैंने इसीलिए माननीय केंद्रीय मंत्री से, माननीय गृह मंत्री से अनुरोध किया था कि माननीय मंत्री जी, अगर इन जातियों को जैसे कहीं बाढ़ आती है, दैवीय आपदा आती है, तो आपके पास अलग से कोई एजेंसी नहीं है कि फिशरमैन बोट को जो नाव चलाने वाले को आप ला पाए, फिर पता चले कि जिनके यहाँ बाढ़ आई है उन्हीं को नाविक अपने बच्चों को परिवार को लेकर नाव में जा रहा है, उनको उतार करके आप जबरदस्ती पुलिस के बल पे लाते हैं। तो हमने मांग किया था कि इनके अलग से इनका केंद्रीय पुलिस बल में या राज्यों में अलग से फोर्स बनाया जाए और इनको स्पेशल आरक्षण का दर्जा दिया जाए, जिससे कि दैवीय आपदाओं में इनसे काम लिया जा सके। हमने देखा है मलेट्टी, मेरे क्षेत्र में बाढ़ आई थी, मलेट्टी लगा दी गई थी, मेरे क्षेत्र में चंदवाई विधानसभा एक गाँव था और नाव पलट गई, मलेट्टी फोर्स के लोग गए थे, एक महिला 3 बच्चे लिए थी, एक नाव चलाने वाला था, 2 मलेट्टी वाले थे, वो सेफ्टी बैग पहने थे, वो नाव पलटने पे एक पेड़ में चारों लोग पेड़ को पकड़ लिया, उन महिला ने कहा कि मेरे एक बच्चे को पकड़ लीजिए, वो केंद्रीय पुलिस बल का जो तैराक है उसने कहा भाई मैं अपनी जान बचाऊंगा, उसने उस बच्चे को नहीं पकड़ा, वो 3 बच्चे महिला के ऊपर लद गए, पकड़ लिया मजबूती से, वो महिला अपने बच्चों के उसमें चली गई, बह गई। तो ऐसी दुर्घटना हमने देखी है, तो हम जानते हैं कि किस तरह से नदी किनारे, झीलों के और समुद्र किनारे किस तरह से इन जातियों के साथ जो है दुर्व्यवहार होता है, इनकी परेशानियां हैं, सामाजिक आर्थिक स्थिति है, उत्तर प्रदेश में इनकी हालत बहुत खराब है, ये सब सारा मानक पूरा करती हैं। इसलिए मैंने अपना प्राइवेट मेंबर बिल सदन में प्रस्तुत किया है। मैं माननीय सदस्यों से, माननीय सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विधेयक को जो है पास किया जाए, और माननीय मंत्री जी तो उदार हैं, कहा था उन्होंने कि हम इसको कराएंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमको भरोसा दिलाया था कि इसका हम परीक्षण कराएंगे। तो आपसे हमारी अपील है माननीय उपसभापति जी कि माननीय मंत्री जी से कहें इस बिल को जो मैंने प्रस्तुत किया है, क्योंकि इनकी जातियां जो हमारा मामला है परिभाषित करने का है, हमने पहले बता दिया है कि कौन जाति किसके साथ परिभाषित किया जाना है, मैंने सारा विवरण बता दिया है,
मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि इस बिल को पारित कराएं, जिससे कि आपका चुनावी वादा भी पूरा हो सके। कुछ तो वादा नहीं पूरा, काला धन तो वापस कहा था 15 लाख पे, वो तो नहीं दे पाए, लेकिन कम से कम इनको आरक्षण ही दिला दीजिए, तो कम से कम लोग कहेंगे कि नहीं कुछ ना कुछ तो वादा इन्होंने पूरा किया है। और मैं सभी माननीय सदस्यों से, सभी दल के सदस्यों से, सत्ता पक्ष विपक्ष सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ, सब लोग जो है इस विधेयक को पारित करने की कृपा करें। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर आनंद भास्कर रपूलू।